ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रोमित्रम बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। यह राशिफल है 17 सितंबर 2018 सोमवार का दिन है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है जिसे राधा अष्टमी के रूप में सभी लोग मनाते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि सुबह 7:42 तक उसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए इस दिन पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। और इस दिन यदि पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में आईने में अपना मुंह देख करके पूर्व दिशा की यात्रा कर सकते हैं। 12 राशि वालों के लिए दिन कैसा रहने वाला है और 12 राशि वालों को क्या खास उपाय करना चाहिए, यह सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कोई आपसे कुछ बात करे तो उसका जवाब बहुत सोच समझ कर ही दे। कड़ी मेहनत करके और नतीजे दिखाकर आपको अपने काम से खुशी मिल सक्ती है। आज होने वाले घटनाक्रम आपको आश्चर्य में डाल सकते हैं, लेकिन आप समझदारी से काम लेते हुए अपना समय खराब नहीं जाने देंगे। आज ही कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आपको अपने मन की बात सीधे ढंग से कहने का मौका शायद ही मिल पाएगा। आत्मविश्वास के दम पर आप हर काम में लगभग सफलता को प्राप्त करेंगे। अपनी क्षमताओं का सटीक ढंग से अनुमान जरूर लगा ले। आज मिलकर किए गए कामों में आपको सफलता मिलेगी। कला संगीत या किसी रचनात्मक काम में आपका रुझान बढ़ सकता है और जरूरत से ज्यादा होश न दिखाए सोच समझ करके आपको निर्णय करना चाहिए। उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में यदि आप कोई भी दूध की मिठाई चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। बिजनेस यदि आप करते हैं तो सामान्य रहेगा, लेकिन नौकरी में आपको कोई सफलता मिलने का योग बन रहा है। किस्मत आपको कुछ अच्छे अवसर दे सकती है। मन की बात पर पूरा भरोसा रखें। आज आपको अचानक कहीं से धन लाभ भी हो सकता है। किसी सौदे में आपको अच्छा फायदा होने की संभावनाएं प्रबल है। संतान के साथ आज आपके अच्छे संबंध रहेंगे। धैर्यपूर्वक और सहानुभूति के साथ की गई बातचीत आपके पक्ष में रहेगी। कागजी काम अकेले बैठ करके निपटा ले, आज के काम आज ही पूरे कर ले। किस्मत से मिले मौकों का फायदा आपको पूरा पूरा उठाना चाहिए और अपनी खुशी के लिए आप किसी से भी जबरदस्ती कोई काम बिल्कुल न करवावे। और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में यदि आप पीला कपड़ा दान करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कामकाज में आप जो भी निर्णय करेंगे वह आपको सफलतादायी रहेंगे और आपके लिए काफ़ी जो है प्रसन्नता देने वाले रहेंगे। आप वर्तमान स्थिति को समझेंगे और भविष्य के बारे में आपका अनुमान सटीक रहेगा। आपकी उम्मीदों और कोशिशों में बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा। आज हर काम में जो है आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, एक बार में एक ही काम करें। आज आपको आसपास के किसी व्यक्ति के सही या गलत होने का एहसास भी होगा। कठिन परिस्थितियों में खुद पर आपको कंट्रोल रखना होगा। आज आप पूरे दिल और दिमाग से काम करेंगे। बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकता है, कुछ ज्यादा ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऑफिस में सलाह देने और लेने से आपको बचना चाहिए। कुछ लोगों के साथ गंभीर बातचीत के दौरान आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जो आपके लिए समस्या बढ़ा सकती है, इसलिए जो भी बोले सोच समझ करके बोले। बिना सोचे कोई भी आपको बातचीत नहीं करना है। और उपाय के रूप में आपको गुड़ का दान करना अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपके सोचे हुए काम पूरे करने की कोशिश करें। आप मेहनत से संतुष्ट होंगे। आपको कुछ दोस्तों से भी मदद मिलेगी। लोगों से मिलने और बात करने का मन आपका रहेगा। दोस्तों के साथ मौज मस्ती में आपका समय निकल सकता है। पैसा कमाने के कई विचार आपके मन में आ सकते हैं। आप अपने पैसों की स्थिति पर विचार करेंगे। किसी निवेश के लिए पैसों की बचत करने का मन भी आपका रहेगा और कुछ खर्चों में कटौती करने का भी मन आपका बन सकता है। सम्मान आपका बढ़ेगा। नौकरों पर ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। कोई धार्मिक वस्तु आप खरीद सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल उत्पन्न रहेगा। उपाय के रूप में कोई भी सुगंधित इत्र लगा करके यदि आप घर से निकलेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज आप मन मौजी रहेंगे। आप अपने मन के हिसाब से काम करने का प्रयास करेंगे। कामकाज के लिहाज से आप सही दिशा में और नया मौका
आप तलाश करेंगे और उस तलाश में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। किसी नई शुरुआत के बारे में आपका मन बन सकता है। धैर्य से समझने की कोशिश करें कि अपने किसी लक्ष्य को पाने के लिए कैसी शुरुआत आपको करनी चाहिए। आपके सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। जो जरूरत बाकी रह गई है उन्हें भी पूरा करना आपका लक्ष्य हो सकता है। आप सक्रिय रहेंगे। बिजनेस में आप वही करेंगे जो आप चाहते हैं। प्रेम के क्षेत्र में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का प्रयास आप करेंगे। मौजूदा काम छोड़ने का इरादा न बनाएं। जो चल रहा है उसी को आगे बढ़ाने में आप अपना ध्यान देंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। उपाय के रूप में यदि आप शंकर भगवान के मंदिर में बिल्व पत्र चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कई दिनों से जो मन में बात चल रही है उसे कहने का समय आ गया है। जिज्ञासा और इच्छा शक्ति के दम पर आपको कई क्षेत्रों में सफलता मिलने का योग है। मानसिक तौर पर आप बहुत ज्यादा सक्रिय रहेंगे। कई तरह के पूर्वाभास आपको हो सकते हैं। रूटीन लाइफ में कुछ बदलाव होने का योग है। किसी करीबी व्यक्ति का ट्रांसफर हो सकता है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। लिखा पढ़ी के कामों में आपको सफलता मिलेगी। प्रेमी के साथ आपका समय व्यतीत होगा। नौकरी या धंधे में ज्यादा से ज्यादा फायदा होने का योग बन रहा है। आपका काम भी रहेगा। पारिवारिक सुख और संतोष आपको प्राप्त होगा। बिजनेस बढ़ाने के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। अपनी वस्तुएं संभाल करके रखें। लेन देन में आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। उपाय के रूप में भगवान गणेश जी को यदि आप हरे रंग की घास जिसे दूर्व कहा जाता है वो चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज आपकी ऊर्जा चरम पर रहेगी और कोशिशें भी आपकी सफल रहेगी। जो काम हाथ में लेंगे उसमें आप आराम से सफल हो जाएंगे और साथ ही आज सभी कामों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। सामूहिक तौर पर किए जाने वाले कामों में विशेष रूप से आपको सफलता मिलेगी। कुछ जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। कुछ नए लोगों से मुलाकात आज आपकी होने वाली है। कोई नया व्यक्ति आज आपके जीवन में आ सकता है। पैसों से जुड़े कोई काम आपके अभी तक अटके हुए या रुके हुए हैं वो भी सफल होने वाले हैं। साथ ही आप जो भी काम शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपको अच्छी सौगात मिल सकती है। नए काम आपके शुरू हो सकते हैं। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में यदि आप लाल फूल चढ़ाएंगे और लाल फल चढ़ा देंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए जो है नए विचारों और नजरिए की जरूरत महसूस होगी। मेहनत से आपको सफलता मिलने का योग है। किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलेगा। आपके सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। अचानक धन लाभ का योग बनेगा। कर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मंजूरी आपको मिल सकती है। मौज मस्ती के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। कैरियर के मामलों में किस्मत आपका साथ दे सकती है। कैरियर में आगे बढ़ने के कई अवसर आपको मिल सकते हैं। साथ ही आपके सामाजिक संपर्क बहुत अच्छे रहेंगे। किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में आपको भाग लेने का अवसर मिलेगा और उसमें आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। उपाय के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर यदि आप डालेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपकी मायूसी समाप्त होने वाली है। आज एक के बाद एक खुशखबरी आज आपको मिल सकती है। आप अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। आज मिलने वाली सूचनाएं आपको भावुक कर सकती है। धर्म और कानून से जुड़ी किसी गतिविधि में आप शामिल हो सकते हैं और हर काम में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। उपाय के रूप में यदि बेसन की मिठाई आप भगवान गणेश जी को चढ़ा करके परिवार में वितरित करेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपका नया काम शुरू हो सकता है। अचानक यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। धन लाभ होगा और पैसों को मिलने के कारण आप जो है अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। बिजनेस या पारिवारिक मामलों को लेकर के खरीदारी आपकी हो सकती है। कोई पसंदीदा वस्तु आपको मिलने वाली है। विद्वानों के साथ उठने बैठने का या मिलने का मुलाकात करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। फायदेमंद सौदे होने की संभावनाएं बन रही है और कहीं पर घूमने फिरने जाने का मन भी आपका हो सकता है और पार्टनर के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। किसी अपने ही व्यक्ति से आपके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। और उपाय के रूप में जहां पर आप पैसे रखते हैं वहां पर थोड़ा सा लाल कुमकुम आप लगा देंगे तो दिन आपके लिए अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आज आप किसी को कोई अच्छी खबर सुना सकते हैं। आप दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। नए लोगों से दोस्ती होने का योग बन रहा है। अपने धैर्य और चुप्पी से आप किसी को भी हरा सकते हैं। अपनी मानसिक ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल करें, आप आगे बढ़ सकते हैं। परिवार या पार्टनर के साथ चल रही अनबन समाप्त होने का योग बन रहा है। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आपको नई ऊंचाई मिल सकती है। उपाय के रूप में पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला करके यदि आप भगवान गणेश जी को चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा।
अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए जो है कार्यक्षेत्र में एक नई ऊंचाई मिल सकती है, नई नौकरी आपकी शुरू हो सकती है, उत्साह बढ़ा रहेगा और सुस्ती आपकी समाप्त होने वाली है। नई ऊर्जा का प्रयोग आप जो है करेंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कुछ नए लोगों के कारण जो है आपके काम बन सकते हैं, कोई नया काम भी आपका शुरू हो सकता है, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। उपाय के रूप में एक बादाम यदि आप खाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। तो मित्रों यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।